एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ जाते हैं। उनमें से एक शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, हमें आपसे एक बात पूछनी थी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, कृपया करके इस कथन को विस्तार से समझाएं। बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हें इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों ही बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से यह कहता है कि अरे सेठ जी, हमारे नगर में एक नामी और प्रतिष्ठित सेठ रहता था, वह तो आपसे भी अधिक धनवान था। अब सेठ उत्सुकता से पूछता है कि तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? अब रिश्तेदार व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा, पर वह यह भूल गया कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है, वो सेठ को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है कि कारण तो कुछ भी नहीं था, बस अचानक से ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया, उसे जरूर कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी सेठ जी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह यही सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बुढ़ापे में ही आती है या किसी बीमारी के कारण ही आती है। चूंकि सेठ अभी जवान है, इसलिए वह अभी मरना नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु वह सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है। सेठ के मन में अपने रिश्तेदार की बात घर कर गई थी। सेठ जैसे पहले सिर्फ धन के बारे में सोचा करता था, अब वह केवल मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता रहता है और धीरे धीरे सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह अब सही से ना खाता है और ना ही पीता है, बस केवल मृत्यु के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। उसकी जीवा पर केवल एक ही वाक्य होता है कि कहीं मेरी भी मृत्यु ना हो जाए, और वह बीमार हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि मानो कभी भी उसके प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की इस अवस्था को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही उस सेठ को खुश और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण देखा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर अब उसे उसकी चिंता भी नहीं रहती। अब सेठ कहीं आता जाता भी नहीं था, केवल एक जगह लेटा रहता था। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ का एक मित्र उसे एक संत के पास ले जाता है और कहता है कि ये एक बहुत ही कुशल संत हैं, तुम इन्हें अपनी समस्याओं को बताओ, ये उसका समाधान जरूर बताएंगे। अब वह संत उस सेठ से यह पूछते हैं कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन अब तुम पहले से बहुत कमजोर दिख रहे हो, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सेठ कहता है, बाबा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना। सेठ की यह बात सुनकर संत मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें मृत्यु का भय है? सेठ कहता है, जी बाबा, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग भला कौन करेगा, मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे जीना है, कृपा कुछ करें। संत कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकालता हूँ। ये सुनकर सेठ के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब संत समाधान बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण भीतर भी और बाहर भी करना, अर्थात मुंह से भी और मन से भी इस मंत्र को लगातार बोलते रहना, ये रहा तुम्हारा मंत्र। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा,
तुम इस मंत्र को लगातार 7 दिनों तक जपते रहना, मैं 7 दिनों के बाद जरूर आऊंगा। इतना कहकर संत चले जाते हैं। संत के बताए हुए मंत्र को सेठ रोज उच्चारण करता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। अब 7 दिन हो चुके थे और संत सेठ के घर आ जाते हैं। सेठ संत को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि आपके मंत्रों ने मेरी सोच बदल दी बाबा, अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपना जीवन जीऊँगा। पहले मैं मृत्यु के भय से ठीक तरह से जीवन जी नहीं पा रहा था, लेकिन आपके मंत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब गौतम बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये कहानी इसीलिए सुनाई ताकि तुम यह जान सको कि जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। हम जो भी भीतर और बाहर रटते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है, जैसे उस सेठ ने किया था। पहले वो हमेशा धन के बारे में सोचता रहता था, खुश भी था, लेकिन जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया वैसे वैसे उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। उसके मन में मृत्यु की बात घर कर गई थी, इसलिए उसे ये सब सच लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच ही थी। इसलिए याद रखो, हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा विचार वैसा ही जीवन। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी हम फालतू के विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, फिर यही लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, क्योंकि ऐसी बात हमारे मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे वैसा ही हमारे साथ होने भी लगता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें। बेमतलब की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है, इससे खुद को ही परेशानी होगी, इसलिए सकारात्मक सोच रखें। तो ये थी महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।